ग्रहों के न्यायाधीश शनिदेव जल्द वक्री से अब मार्गी होने जा रहे हैं। 18 सितंबर से कई ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। वहीं दूसरी तरफ शनि महाराज मार्गी भी होंगे। हालांकि शनिदेव की चाल का सभी राशियों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। व्यास फला स्थित बल शनि मंदिर के पुजारी श्री अमित पौराणिक ने बताया कि शनि धनु राशि में 30 अप्रैल को वक्री हुए थे। वहीं पूरे 142 दिन बाद यानी 18 सितंबर 2019 को सुबह 11:48 पर शनि फिर से मार्गी होंगे। शनि मार्गी यानी सीधी चाल चलेंगे। शनिदेव की सीधी चाल का असर 12 राशियों के साथ साथ बहुत सी चीजों पर देखने को मिलेगा, जिसमें व्यापार भूमि से निकलने वाले पदार्थ जैसे पेट्रोल डीजल आदि चीजों पर भी भारी प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा जिन जातकों पर शनि की महादशा चल रही है उन लोगों को भी थोड़ा बदलाव महसूस होगा। आम लोगों को इसी बीच नौकरी पेशा सहित मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। शनिदेव जब धनु राशि में मार्गी अवस्था में चल रहे थे, आज दिनांक 18 को शनिदेव जी 2:19 पर मार्गी हो रहे हैं, जो 27 तारीख तक मार्गी रहेंगे। मार्गी होने से सभी 12 राशियों पर शनिदेव का अनुकूल प्रभाव रहेगा। जिन राशियों पर 7.5 चल रही है उन राशियों पर शनिदेव जी की विशेष कृपा होगी। शनिदेव जी के दर्शन पूजन करने से शनिदेव जी के 7.5 में अत्यधिक लाभ मिलता है। उनका स्मरण करने से, पूजन करने से, ध्यान करने से शनिदेव जी के 7.5 काल से जो व्यक्ति ग्रसित है उसको शनिदेव जी की कृपा प्राप्त होती है। राशियों पर अनुकूल प्रभाव है। मार्गी होने से शनिदेव सुफल को प्रदान करते हैं, वक्री होने से सुफल की प्राप्ति होती है। सुफल के कारण शनिदेव सभी 12 राशियों पर अनुकूल प्रभाव देंगे। शनिदेव जी के आज मार्गी होने से अभी 2019 की 3 शनिश्चर्य अमावस्या थी, जो अंतिम शनिश्चर्य अमावस्या दिनांक 28 तारीख शनिवार को आ रही है और इसी दिन सर्वपित्र अमावस्या भी है। शनिदेव जी से 7.5 के प्रभाव से या ढैया के प्रभाव से या विषम परिस्थितियों से जो व्यक्ति गुजर रहे हैं वो 28 तारीख को शनिदेव जी की विधिवत आराधना पूजन अर्चन करेंगे तो उन्हें अत्यधिक लाभ होगा। और इसी के साथ सर्वपित्र अमावस्या भी हैं तो अपने पितरों का पूजन करके भी मनुष्य अनेक प्रकार के पुण्यों को अर्जित कर सकता है।